दोस्तों, तो कल हमारी इंडियन फुटबॉल टीम खेलेगी अपना फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा मैच, जो कि होगा उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। शाम को 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा और हमारी टीम खेलेगी कतर फुटबॉल टीम के साथ अपना इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा मैच। और इंडियन टीम अपना पहला मैच जीत के आई है इसी हफ्ते 16 नवंबर को, जो मैच हुआ था कुवैत की फुटबॉल टीम के साथ अवे में जाके। उन्हीं के होम ग्राउंड में हमारी टीम ने 1-0 से कुवैत की टीम को हराया था और 22 साल बाद हमारी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर अवे में जाके एक जीत हासिल की थी। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री जीत हासिल की है हमारी इंडियन टीम ने। और इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर हमने कुवैत की टीम को 1-0 से हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो इससे हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कल के मैच में जो कतर के अगेंस्ट होगा। आप सभी जानते हो कि कतर की फुटबॉल टीम कितना फिजिकल अच्छा खेलती है और कल भी वो हमारी इंडियन टीम के साथ ऐसे ही खेलेगी। कतर की फुटबॉल टीम एक बेहतरीन क्वालिटी वाली टीम है और फिजिकल भी काफ़ी अच्छा खेलती है। कतर की फुटबॉल टीम के साथ पिछली बार भी हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर खेल चुके हैं 2 मैच, जिसके अंदर हमारी टीम को 1 में हार और 1 में ड्रॉ से सामना करना पड़ा था। मगर अब कंडीशन बदल चुके हैं और इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी बदल चुकी है और इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी कंडीशन चेंज हो चुकी है। तो अब इंडियन फुटबॉल टीम काफ़ी डेवलप हो चुकी है और एक अच्छा मौका होगा कतर की फुटबॉल टीम को हराने का इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि कतर की फुटबॉल टीम क्वालिटी वाइज एक अच्छी टीम है और एक अच्छी टीम मिली है इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। हमारी टीम के पास एक अच्छा चांस है कि हम कतर की फुटबॉल टीम को अपने ही होम ग्राउंड के अंदर हरा सकते हैं। इस मैच के अंदर सारी चीज़ें हमारे फेवर में होगी। कंडीशन वाइज देखें तो अपने ही होम ग्राउंड के अंदर मैच होगा और अपने ही फैन के बीच हमारी टीम खेलेगी, फैंस को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल टीम के पास एक अच्छा चांस होगा कि कतर की टीम को हम हरा सकते हैं। अगर कतर की फुटबॉल टीम का पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें, उनकी टीम का जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, तो उनका कुछ ज़्यादा खास कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है कतर की फुटबॉल टीम के। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें कि पिछले कुछ मैच देखें, 5-6 मैच देखें, तो उन्होंने कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के नहीं दिया है। उन्होंने केनिया की टीम से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है, रशिया की टीम ने उन्होंने 1-1 से ड्रॉ खेला और इराक की फुटबॉल टीम से भी उन्होंने ड्रॉ खेला और सिर्फ ईरान की टीम ने उन्हें 4-0 से हराया। तो ईरान की फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी टीम है, एशिया के अंदर काफ़ी टॉप की टीम है, टॉप 5 टीमों के अंदर देखो तो ईरान की टीम है। क्वालिटी वाइज देखो तो कतर की टीम से काफ़ी अच्छी टीम है। सिर्फ उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर देखो तो अफगानिस्तान की टीम को 8-1 से हराया, काफ़ी बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान की टीम को हराया। तो पिछला कुछ रिकॉर्ड देखे तो कतर की टीम का कुछ ज़्यादा खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। उन्होंने अपने से नीचे की रैंक की टीम से मैच हारा है, जो कि केन्या की टीम है। केन्या की टीम अब एक अफ्रीकन मूल की टीम है, एक अफ्रीकन टीम है, जिससे उन्होंने 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। और केन्या की टीम को हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के अंदर भी हरा रखा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन फुटबॉल टीम के पास एक अच्छा चांस है कि हम कतर की टीम को हरा सकते हैं। अब कतर की फुटबॉल टीम का स्ट्रेटजी और प्लान क्या हो सकता है, क्या फॉर्मेशन हो सकती है कल के मैच में इंडिया के अगेंस्ट, क्या फॉर्मेशन खिलाएंगे? तो कतर की फुटबॉल टीम ज़्यादातर 4-3-3 फॉर्मेशन या 4-4-2 फॉर्मेशन के अंदर खेलती है। पिछला जो मैच था उनका फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाई थी। तो इंडिया के अगेंस्ट में उनकी 4-3-3 या 4-4-2 फॉर्मेशन के अंदर देख सकते हैं ये फॉर्मेशन वो खिलाएंगे। एंड स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, प्लान क्या होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट कल के मैच में? तो अगर उनकी टीम की बात की जाए तो वो विंग्स पे जाके ज़्यादा खेलते हैं, उनके खिलाड़ी विंग्स से ज़्यादा क्रॉस फेंकते हैं और वहाँ से जाके अटैक करते हैं। तो हमारी टीम का जो पर्पस होगा, अच्छा खासा हमें कॉम्पैक्ट डिफेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कतर की फुटबॉल टीम को अगर हमारी टीम ने जरा सा भी डिफेंस के अंदर ढील की तो वो एक बड़े अटैक बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिफेंस रखना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छे डिफेंस के अंदर हमारे प्लेयर को भूमिका निभानी पड़ेगी, हमारे डिफेंडर को। तो कल के मैच में कतर की फुटबॉल टीम के कुछ की प्लेयर हमें काफ़ी परेशान कर सकते हैं, हमारी डिफेंडर की टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जो इनके विंगर्स हैं वो काफ़ी विंग्स पे खेलते हैं, वहाँ से जाके काफ़ी
क्रोसेस फेंके जाएंगे और काफी अटैक बनाएंगे उनकी टीम। जो इनके विंगर हैं, दो विंगर के बारे में बताता हूँ, अल हैदिस और तारिक, ये दो विंगर है जो वहां से अटैक बनाते हैं इनकी टीम के लिए। तो विंग्स के ये दो खिलाड़ी वहां से जाके ये क्रॉस बनाएंगे अपनी टीम के लिए। और इनका जो मेन जो प्लेयर है अली, जो कि फॉरवर्ड खिलाड़ी है, ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, कतर फुटबॉल टीम के एक गोल स्कोरर प्लेयर हैं, तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हमारी टीम का जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, इसका काफी टेस्टिंग होने वाली है कल के मैच के अंदर। तो हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंस रखना पड़ेगा। अगर हमारी टीम डिफेंस के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है कल के मैच के अंदर, तो हम ज़रूर कल का मैच जीत भी सकते हैं और या कतर के अगेंस्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मगर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कल के मैच को जीतना, क्योंकि हमारे ही होम ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है। पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर हमने दोनों ही मैच कतर के अंदर जाके खेलते हैं, और एक अच्छा चांस है हमारे पास कतर की फुटबॉल टीम को हराने का। एक क्वालिटी वाली टीम है कतर की फुटबॉल टीम, और हमारी टीम अच्छे खासे फॉर्म के अंदर है। कुवैत की टीम को अभी अवे के अंदर हरा के आई है, तो एक अच्छी फॉर्म के अंदर हमारी टीम। आई होप कि हमारी टीम कल के मैच में कतर फुटबॉल टीम को हराए और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल थर्ड राउंड के लिए अपनी जगह को और पक्की कर ले अच्छी तरीके से। तो ये एक अच्छा चांस होगा, अच्छा मौका है हमारी टीम के पास। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।